सो हेलो गाइस, वेलकम टू कम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, फाइनली हो चुकी है सुबह और आज का ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने ही वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं। और इनका पूरा घास वगैरह भी ख़त्म ही हो चुका है, पूरा मासूमियत से देख रहे हैं इधर उधर। तो गाइस, इस वर्ष की ना बहुत ही सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हम लोग इस खेतों में कुछ कर ही नहीं सके। इसके पीछे भी ढेर सारे खेत हैं, उनमें भी कुछ कोई किसानी हुआ ही नहीं। इधर भी जितने सारे खेत थे दूसरे लोगों के, पूरे फील्ड वगैरह ऐसे फील्ड के जैसे पड़े हैं, कुछ किसानी हुआ ही नहीं। इधर भी केवल जोत के ही रह गए। सिर्फ मैन एक ही रीज़न है, वो है कि इतने सारे मतलब पशु आ गए, बैल और गाय की इतना ना इस गांव में आबादी बढ़ गई, इतना आबादी बढ़ गई है कि खेतों को बचना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। उनको लोग एरा बोलते हैं, जिनका ना तो कोई मालिक है ना ही उनका कोई ठिकाना। वो जहाँ भी जाते हैं, जो भी जैसा भी खेत पा गए पूरा साफ ही कर देते। इसके वजह से यहाँ पर कोई किसानी कुछ किया ही नहीं गया। बाकी जो लोग हैं जो अपना बचा सकते थे तो जाली वाली लगवा करके वो अपना किसानी किए हैं, और हम लोग का तो पूरा ऐसा ही पड़ा है। गांव में और शहर में ना सिर्फ एक ही अंतर है, वहां पर गाड़ियों की आवाज़ ढेर सारा सुनने को मिलता है और गांव में चिड़ियों की आवाज़। फिर भी आप देख सकते हो पूरा का पूरा खेत ऐसा ही पड़ा है। बाबू गाड़ी 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 ऊ गाड़ी गाड़ी खेल, आराम से खेल, ऐसे अकेले हल्ला कर रहा था। अब इन लोग को भी सुबह सुबह भूख लगने लगा है। इसको इसको ये सब जाएंगे अब जंगल की ओर खाने के लिए। गंदा बच्चा। गाइस, अब चलेंगे मार्केट की ओर, अब लेंगे सब्जी वगैरह और खाने पीने का सामान जो कुछ भी होता है। अब दोपहर भी हो गई है तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। अब ये देखिए दिन में भी परेशान कर रहे हैं, इनका कोई जगह है ही नहीं, कहाँ जाए क्या करें। लोग इधर से उधर भगा रहे हैं बस इनको। काठन का हमारे इधर कोई ज़्यादा बड़ा मार्केट तो है नहीं, बस इधर ही 4-6 दुकानें हैं, वहाँ पर सभी कुछ सामान मिल जाता है, चाहे वो राशन का हो या फिर सब्जी वाला हो। सो उधर ही तो आया हूँ। दिखने में दरअसल कुछ ऐसा है और यहीं पर जो कुछ दुकानें हैं सो है। सो गाइस, मैंने तो सामान फाइनली पूरा ले लिया, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ही बेकार लगा मेरे को, ये जो पॉलीथीन अभी भी चल रही। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और बैन करना चाहिए इस पॉलीथीन को। और झिल्ली नुमा जो पहले कपड़े के बैग आया करते थे, अगर वही बैग आए दुकानों में मिले राशन के लिए तो ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, धान वगैरह ढोके लाने थे जहाँ पर से हिस्सा उत्सा मिला हम लोगों को, और वहाँ पर क्योंकि खेत में हम लोग जुताई हुआ किए थे सो मिला, सो उसको लाना था और वो ला भी लिए। और यहाँ पर रखा हुआ है पूरा, अभी आंगन में ही पड़ा, इसको भर भर के पूरा फिर से अंदर भी रखना पड़ेगा। फिलहाल अभी तो शाम हो चुकी है सो ठंड पड़ने लगी, तो अब कपड़े वगैरह पहनेंगे इसके बाद फिर। और आजकल रोड में निकल कर बैठना भी ना बहुत ही बड़ा रिस्क वाला काम हो चुका है, पर क्या करें कुछ काम भी नहीं है तो यहाँ पर आके बैठना भी पड़ता है थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए। और क्यों रिस्क भरा है यहाँ पर रोड पर बैठना, सो मैं दिखाता हूँ आपको कुछ छपरी लोगों को। तो सही टाइम पे छपरी करने वाला तो कोई मिला नहीं। सो गाइस, फाइनली हो चुके हैं नाइट, सो अब हम लोग सोएंगे। सो यहीं पर करेंगे ब्लॉग को एंड। सो मिलेंगे अब हम आपको कल अगली एक नई ब्लॉग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।